मैं भास्कर, मेरा नाम हिमांशी शर्मा देवेरा है, मैं बैंगलोर से हूँ। आज के मुख्य समाचार। जलगांव महाराष्ट्र से हर्षोल्लास से मनी सूर्य सप्तमी। जलगांव से प्राप्त समाचारों के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनी सूर्य सप्तमी। यह कार्यक्रम समाज के पाताल हनुमान मंदिर में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम के विशेष आकर्षक समाज के वरिष्ठ अधिकारी नागरिक जिन्होंने 75 वर्ष पूर्ण किए उनका सम्मान कार्यक्रम हुआ था। इस अवसर पर भगवान सूर्य नारायण की भव्य शोभा यात्रा भी निकली थी। स्मारिका के लिए रचनाएं आमंत्रित, नई दिल्ली। सामाजिक संस्था भास्कर नई दिल्ली द्वारा इस बार होली स्नेह मिलन का आयोजन हुआ है 17 मार्च को। इस अवसर पर संस्था की स्मारिका के लिए भी विमोचन निकला जाएगा। स्मारिका के लिए समाज के रचनाकार बंधुओं से विभिन्न विषयों पर रचनाएं आमंत्रित की गई है। मांगी गई रचना मौलिक हो अथवा किसी विवाद का दृष्टि में ना हो यह बता दिया गया ताकि रचनाकार ही उनकी रचनाओं का उत्तरदायी हो। अहमदाबाद में सूर्य सप्तमी महापर्व का भव्य आयोजन। अहमदाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पिछले 43 वर्षों से शाकल द्वितीय मग ब्राह्मण समाज अहमदाबाद शहर में सूर्य सप्तमी पर्व का आयोजन करते आया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अचला सप्तमी शहर के शाहपुर स्थित अवध आश्रम में मनाई गई सूर्य सप्तमी। यहाँ पे महाप्रसादी भोज एवं गायत्री यज्ञ का भी आयोजन हुआ था। कोटिलिंगेश्वर में सब शिवलिंग की स्थापना। बैंगलोर के भामाशाह भास्कर रत्न सुनील शर्मा जी के अत्याधीन में सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान देश भर से आए स्वजाति बंधुओं को विश्व प्रसिद्ध कोटिलिंगेश्वर मंदिर की विशेष यात्रा करवाई गई। दर्शनार्थ ब्राह्मण पर ले जाया गया। वहाँ पूजा अर्चना के पश्चात 7 शिवलिंगों की स्थापना हुई। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने श्री सुनील शर्मा जी की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद आभार प्रस्तुत किया। जवानों को सम्मान। फागना दुनिया से प्राप्त समाचारों के अनुसार फागना दुनिया में सूर्य सप्तमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सेना से सेना नियुक्त भारतीय सेना के 2 स्वजातियों जवानों को सम्मानित किया गया। गरबा नृत्य सहित मनी सूर्य सप्तमी। मालेगांव महाराष्ट्र से प्राप्त समाचारों के अनुसार थाई शिवनाथ नगर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में सूर्य सप्तमी पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा अर्चना के पश्चात महिला मंडल द्वारा गरबा नृत्य का आकर्षक आयोजन भी हुआ। फिर महाप्रसादी वितरण ग्रहण का आयोजन भी सम्पन्न हुआ जिसमें सभी स्थानीय समाज के बंधुओं ने भाग लिया। अहमदनगर में मनी सूर्य सप्तमी। बम्बोरी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में भी सूर्य सप्तमी पर श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। कोलकाता से समाचार है कि कोलकाता शाकल द्वितीय ब्राह्मण समाज ने बैंगलोर के सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखकर यह निर्णय लिया है कि अगले साल तक कोलकाता में भी श्री सुनील शर्मा के सानिध्य में सूर्य मंदिर का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे पूरे शाकल द्वितीय समाज में आज खुशी की लहर उठी है। उदयपुर में सूर्य सप्तमी पर्व धूमधाम से संपन्न। उदयपुर संभागीय शाकल द्वीप ब्राह्मण समाज संस्था द्वारा दिनांक 15 एवं 16 फरवरी को धूमधाम से सूर्य सप्तमी महोत्सव आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय सूर्य सप्तमी महोत्सव के तहत एक दिन पूर्व ठाकुर चौराहे स्थित सूर्य मंदिर पर 56 भोग वितरण सह भोज का आयोजन किया गया और भगवान सूर्य नारायण का विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ एक यज्ञ का भी आयोजन किया गया। 56 भोग कार्यक्रम हरीश कुमार शर्मा के सौजन्य से किया गया। 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन स्थानीय जगदीश मंदिर स्थित सूर्य भगवान सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हवन किया गया। पूर्णाहुति के तहत पश्चात रथ पर विराजित भगवान सूर्य नारायण के गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिता एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण कार्य भी किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट श्याम सुंदर शर्मा ने की। कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवतियों को रंगोली, मेहंदी, पूजा थाली आदि प्रतियोगिताओं के लिए भी पुरस्कार वितरण किए गए। राजस्थान के
जोधपुर में मनी सूर्य सप्तमी, जोधपुर में हर्षोल्लास के साथ अचला सप्तमी मनाई जाने के समाचार काफी सुखद है। इस समारोह के तहत स्थानीय भास्कर चौराहा स्थित पंचवटी कॉलोनी में सूर्य प्रतिष्ठा में प्रातः काल सामूहिक सूर्य भगवान का आराध्य देखकर देवी विग्रहों का पंचमृत से अभिषेक किया गया। यह स्वजातिया बंधु ने पूजा अर्चना यज्ञ तथा आरती के साथ श्रद्धा एवं उल्लास के साथ सूर्य सप्तमी पर्व मनाई और सामूहिक हर्षोल्लास के साथ देखा है। मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन। उड़ीसा राज्य के केंद्रपाट जिले के औदांग ग्राम में शाकल द्वितीय ब्राह्मण समाज द्वारा मंगल देव मंदिर निर्माण हेतु शुभ मुहूर्त में मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन संपन्न कार्य हुआ। हुबली में भी हुई भूमि पूजा। कर्नाटका राज्य के हुबली शहर से प्राप्त जानकारी अनुसार शाकल द्वितीय ब्राह्मण समाज के लिए मंदिर निर्माण हेतु जमीन का भूमि पूजन का शुभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन के लाभार्थी श्री प्रकाश जी पुत्र श्री फतुरमल जी परिवार रहे। बंगलोर में हुई सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में काफ़ी उत्साह है। पटना काशी मघ अभियान के निदेशकों श्री श्याम नंदन मिश्र और श्री गुप्तेश्वर पाठक जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की पूरी जानकारी लोगों के बीच रखी है और लोगों का उत्साह भी जाना है। इसी बीच जय भास्कर समाचार चैनल के आने के बाद दोनों व्यक्तियों सहित पूरे इलाके के स्वजातियों में उत्साह है और सभी ने मिलकर इस चैनल के आगे की दिशा में संवर्धन देने, संरक्षण देने और मिलजुल कर काम करने का संकल्प लिया है। तो आइए सुनते हैं मगध क्षेत्र के इन दो स्वजातीय सक्रियकों की बारी बारी से बात। ये जो भास्कर समाज के कार्यक्रम के लिए जो सुनील शर्मा जी ने कार्यक्रम किया, उसे बिहार के खास करके हम लोग ज़्यादा लाभान्वित हुए, लाभान्वित होंगे। यूट्यूब चैनल जय भास्कर समाचार के लिए सुनील शर्मा जी को विशेष बधाई। जय भास्कर। इसमें बंगलोर में भी प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से राज्यों से लोग आए और भव्य आयोजन को जो सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा था उसमें शामिल हुए। इस क्रम में सुनील जी का जो उत्साह बंगबंधुओं से मिलने का जो उत्साह बना, बंगबंधु में काफ़ी उत्साहित हैं, इधर बिहार में भी काफ़ी लोग उत्साहित हैं उस कार्यक्रम को देख कर करके। इसी क्रम में जय भास्कर एक चैनल का भी आरंभ किया गया है और उत्तरी भारत से अधिकांशतः बंगबंधुओं द्वारा उसमें शामिल होने की जिज्ञासा बनी हुई है और यह चैनल का उद्घाटन भी होंगे। इसी क्रम में मैं सुनील शर्मा किशोर जी का हम लोग तहे दिल से शुभकामना व्यक्त करते हैं और इस चैनल के लिए भी मगबंधुओं का कहीं भी किसी भी राज्यों से संवाद हो, एक ओत प्रोत होते रहे, यही शुभकामनाएं हैं। जय भास्कर। हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ सूर्य सप्तमी का भव्य आयोजन। शाकल द्वितीय मग ब्राह्मण समाज हैदराबाद सिकंदराबाद में सूर्य सप्तमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रातः सूर्य भगवान का अभिषेक, हवन, आरती तत्पश्चात महाप्रसादी का आयोजन हुआ। सभी श्रद्धालुओं को चांदी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। राजन शर्मा ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की MBBS। बीकानेर निवासी श्री ललित शर्मा के सुपुत्र डॉक्टर राजन शर्मा ने कोटा मेडिकल कॉलेज से MBBS की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर समाज का गौरव बढ़ाया। राजन शर्मा एवं उनके परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं चेतन प्रकाश शर्मा, जय भास्कर न्यूज बेंगलोर से।
पिछले सप्ताह पंचदिवसीय सूर्य मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें भारतवर्ष से कोने कोने से पधारे हुए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यहाँ पर पधार कर उन्होंने इतने आनंद की अनुभूति की, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, चाहे होटल की व्यवस्था हो, किसी ने इसमें कोई तरह की कमी नहीं निकाली और हर तरह की व्यवस्था में उन्होंने आनंद लिया। सूर्य सप्तमी का महोत्सव हो, चाहे बेंगलोर पैलेस में सम्मान समारोह हो, चाहे प्रकाश माली का कार्यक्रम हो, भव्य तरीके से ये कार्यक्रम हुआ और सब ने सुनील जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसी व्यवस्था ना तो पहले कभी हुई थी, ना आगे होने की संभावना है, ना भूतो ना भविष्यति। जय भास्कर। हमारे समाचार चैनल का पहला एपिसोड प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उत्पादन और प्रस्तुति के संबंध में किसी भी गुणवत्ता के मुद्दों के लिए कृपया हमें क्षमा करें। आप आने वाले एपिसोड में गुणवत्ता में काफी सुधार देखेंगे। जय भास्कर। जय हिंद।